जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। Thank you.
करता है जिसका वास्तव में उस पर विश्वास है। किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकृति का क्यों।
वन दिन धारो जिनकी आप सबसे विनम्र निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं और युवा नेतृत्व के रूप में माननीय सरिता जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज खाजू अंति पे रखा गया है, इसमें पधारे हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद जी चौहान साहब। आज के दिन ये बहुत ही एक पुरव के रूप में आज के दिन को अपन सबको मिलकर के 36 कौम को मिलकर के मनाना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जयंती आज ही के दिन किसी मां ने ऐसे लाल को पैदा किया था जो आज अपने खुली सांस ले रहे हैं भारतवर्ष में। ये आपको पता होना चाहिए, पुराने जब टाइम था, समय जब पुराना समय जब था, उसके अंदर ये वर्ण जो सिस्टम आया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार तरह की कैटेगरी बनाई गई थी उस समय। उस समय अगर आप पढ़ेंगे उसके उस जीवन काल के बारे में, अगर आप पढ़ेंगे, 132वीं जयंती मना रहे हैं। मैं सबसे पहले सब जितने भी बैठे हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ इस जन्मदिन पर। नाम हो, हमारे परिवार को लोग पूछे और देश में नाम हो। लास्ट में कहता हूँ कि कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है, और मरने के बाद भी अंबेडकर साहब की तरह मूर्तियां लगती है। साथियों, अगर वास्तव में अंबेडकर को पढ़ाए और पढ़ना चाहते हो तो अंबेडकर साहब को प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर साहब की पुस्तकें पढ़ो, आप भी बड़े बनो और समाज में अच्छे संस्कार पैदा करो, 36 कौम से लाड और प्यार करो, जिससे कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। आप सब पधारे, आपने रैली निकाली इस अवसर पर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
अरे दूसरे नक्शा को लो आप। उसने मना के दिया कि 12 उसी से बना रहे हो, उसी से पानी